हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले कार्बन वाले वीडियो में भी बता दिया है, पर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर भी समझा देती हूँ आपको। देखो, कार्बन में सबसे बड़ी चीज़ कोवेलेंट बॉन्ड होता है वेरियस एलिमेंट, मतलब कार्बन के बाद में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सब एलिमेंट में भी प्लस फोर इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंसी पाई जाती है, पर उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अदर एलिमेंट के साथ में, अलग अलग एलिमेंट के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? कार्बन में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन है, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन हमने सबसे पहले पढ़ लिया था, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बताया गया था। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें CH4 तो कार्बन हो गया, 1, 2, 3, 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो देख रहे हो ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये बनेगा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के डबल डबल बॉन्ड कंप्लीट होंगे। इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, उसमें मेथेन का बताया था, तो वहीं से बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था, किसका, मेथेन का। इसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे बनते हैं। अभी आगे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको नोमेनक्लेचर तक पहुंचाऊंगी, तो वहां पे आपको हर चीज बताऊंगी, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये हो गया आपके पूरा कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम बता दिया आपको। अब इसके बाद में आता है कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन के लगभग लगभग से लगभग ज़्यादा ज़्यादा कंपाउंड, मतलब हम भी आवर से, मतलब क्या होता है कि हम सब के अंदर भी थोड़े ना थोड़े कंपाउंड किसके हैं, कार्बन के हैं ही हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज में C6 आ जाता है, ठीक है, कार्बन मिल जाता है। तो कार्बन जो है बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन हर जगह पे है, ऑर्गेनिज्म में है ना, तो हमारे अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हमारे अंदर भी कार्बन थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चौथी चीज है, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि केवल और केवल कार्बन में ही मिलती है और किसी एलिमेंट में नहीं मिलती है। इसी कारण कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके लिए हम पूरा पूरा अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, पूरे अलग से इसका रिसर्च किया गया है, इसके हर चीज़ हम अलग से पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद में इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया गया है इसको। चौथी चीज़ है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड तो और भी एलिमेंट बनाएंगे। अब आप बोलोगे मैडम और नहीं बनाएंगे, सिलिकॉन भी बनाएगा, और भी हैं जो एलिमेंट है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कार्बन के अंदर ऐसी कैपेसिटी है जो दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग करते हुए भी बड़े से बड़े नंबर में, ये इसकी कैपेसिटी है कि कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और लंबी से लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। अब मैं इसके दो प्रॉपर्टी मेन बताती हूँ जिसके कारण ये वर्सेटाइल नेचर कहलाता है। तो वर्सेटाइल नेचर के ये दो फैक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है कैटिनेशन, दूसरा फैक्टर है इसकी बैलेंसी और इसकी साइज, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कार्बन की यूनिक एबिलिटी, जो कि इसी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अलग अलग चीज़ों से कितने अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये बॉन्डिंग के साथ साथ में लार्ज मालिक्यूल, मतलब जैसे कार्बन 10 हो गया, कार्बन 50 हो गया, कार्बन 60 हो गया, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल से ये कंपाउंड बना लेता है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है यही कहलाती है कैटिनेशन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के दो फैक्टर हैं, फर्स्ट है कैटिनेशन, सेकंड है कौन सा, सेकंड है बैलेंसी और इसकी छोटी साइज, स्मॉल साइज, है ना। तो कैटिनेशन सबसे पहले देखते हैं, तो कैटिनेशन की है कि इनकी एक यूनिक एबिलिटी है, इसमें ये अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है, दूसरा बॉन्डिंग करने के साथ साथ में ये एक लार्ज मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग करता है, जैसे कार्बन 60, 70 इस तरह से ज़्यादा मॉलिक्यूल साथ में बॉन्डिंग करता है। वह जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है, ठीक है। और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसकी वर्सेटाइल नेचर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है।
कैटिनेशन के कारण इसके तीन चार प्रॉपर्टी और बनता है। इसे या तो ये चेन के रूप में हो सकता है, या फिर इसमें ब्रांच हो सकते हैं, या फिर ये रिंग के फॉर्म में हो सकता है। ये चेन, ब्रांच और रिंग सेकेंड वाले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी बैलेंसी। देखो कार्बन की बैलेंस भी 4 है और सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है। इसके जो लाइन में है उनके सबकी वैलेंसी 4 होगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होने के साथ साथ में इसकी साइज भी क्या है, छोटी है, साइज स्मॉल है। तो जब साइज स्मॉल होगी तो बॉन्डिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा क्लोज होगी। क्लोज होने के साथ में ये जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। स्ट्रांग बॉन्ड होगा जब, तो उसके साथ में उसका कंपाउंड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। तो कैपेबल टू बॉन्डिंग विद 4 एटम फॉर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन हो गया, और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉन है जिनके साथ में एलिमेंट है जिनके साथ में ये बॉन्डिंग करता है। उसके बाद में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में भी ये बॉन्डिंग करता है। सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, इसी तरह के और जो अलग एलिमेंट है उनके साथ में भी ये बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। और बॉन्ड इसके क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं स्ट्रांग, इनके स्मॉल साइज के कारण, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो है आपका, है ना, और जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है उतना मैंने आपको समझा दिया है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, पसंद आनी जरूर चाहिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।